सो हे गाइस वेलकम बैक, कैसे हैं आप सब दोस्तों। जो वीडियो आपने भी स्क्रीन पर देखा है, ये वीडियो इस समय टिकटॉक पे काफ़ी तेज़ी से वायरल चल रहा है, या फिर दोस्तों आप यूं कह सकते हैं टिकटॉक को हिला के रख दिया है। आप में से बहुत सारे भाइयों ने इस वीडियो की मुझसे मांग की थी, आखिर इस वीडियो को कैसे बनाते हैं। तो गाइज आज के इस वीडियो में मैं आपको इस वीडियो का सीक्रेट भी बताने वाला हूँ, और कैसे वीडियो शूट करने के बाद आप अपने वीडियो को स्लो मोशन में कर सकते हैं, कैसे आप इस वीडियो को बनाएंगे, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दोस्तों फुल प्रोसेस बताने वाला हूं। तो यार एक लाइक तो बनता है, वीडियो को लाइक करने के साथ ही आगे शेयर भी कर दीजिए। नए मेहमान हैं चैनल पे, पहली बार आए हैं, आपका स्वागत है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो हम आप तक पहुँचा सकें। दोस्तों ये वीडियो बनाना बहुत ही आसान है। इस वीडियो को बनाने के लिए सबसे पहले दोस्तों जो आप यहाँ पर माचिस यूज करेंगे, मैं यहाँ पर दोस्तों आपको दिखा दूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं माचिस के अंदर दोस्तों मैंने यहाँ पे कुछ इस तरह का यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे माचिस का जो आउट एरिया है इसको कटिंग करके दोस्तों अंदर सेट किया है। दोस्तों यहाँ पे आप फोटो भी देख सकते हैं ताकि आपको वीडियो को शूट करने में आसानी हो। इस तरह से दोस्तों माचिस के अंदर आपने उस कागज़ को बैंड करके रख दिया। अब यहाँ पे आपको कुछ इस तरह का वीडियो शूट करना है, जैसा कि दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह से आपने वीडियो शूट कर ली। अब आपके फ़ोन में एक एप्लीकेशन होना चाहिए जिसका नाम है काइनमास्टर। तो गाइस सीधा चलते हैं काइनमास्टर में, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों काइनमास्टर ओपन करने के बाद आपको प्लस आइकन पे क्लिक करके 9 और 16 का आपको एस्पेक्ट रेशियो सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहां से आपको मीडिया ब्राउजर में जाना है, और गाइस यहां पे आपको अपने उस वीडियो को सेलेक्ट कर लेना है जो वीडियो आपने नॉर्मल कैमरे से शूट किया था। जैसा गाइस यहां पे आप देख सकते हैं मैंने जब अपना वीडियो शूट किया तो गाइस मेरा वीडियो काफ़ी लंबा शूट हो गया था, क्योंकि मैं 4 से 5 बार यहाँ पर ट्राई किया था, 4-5 माचिस खराब कर दिया था, उसके बाद दोस्तों माचिस जाके हमारा जला था। तो गाइज इस तरह से आपको वीडियो सेलेक्ट कर लेना है, उसके बाद यहां से ओके करेंगे। अब दोस्तों अगर आपके वीडियो में कुछ एक्स्ट्रा पार्ट है, फालतू पार्ट है, जैसा कि दोस्तों यहां पे आप देख सकते हैं वीडियो को इस तरह से सेलेक्ट करेंगे, कैंची पर जाएंगे, ट्रिम टू लैपटॉप पर हट करके काट देंगे। उसके बाद दोस्तों जितना आपका वीडियो रखना है, जितना बड़ा आप अपने वीडियो को रखना चाहते हैं, जैसा गाइज यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा माचिस दोस्तों यहाँ पे जला था, तो दोस्तों इसी जगह से मैं वीडियो को सेलेक्ट करूँगा और यहाँ से ट्रिम टू राइट ऑफ प्ले हट करके काट देंगे। अब दोस्तों अगेन आपको अपने वीडियो को इस तरह से और कटिंग कर लेना है जहाँ से दोस्तों आप स्लो मोशन लगाना चाहते हैं। जैसा गाइज यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं इस साइड में यहाँ पर आ चुका हूँ, इसी जगह पर दोस्तों आपको अपने वीडियो को इस तरह से सेलेक्ट करके कैंची पर जाना है, स्प्लिट एट प्ले हट करके काट देंगे। उसके बाद दोस्तों जितना पार्ट आप स्लो मोशन में रखना चाहते हैं, गाइस जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं इतना पार्ट स्लो मोशन में रखना चाहता हूँ, तो स्प्लिट एट प्ले हट करके अगेन वीडियो को कटिंग कर देंगे। उसके बाद यहाँ से ओके करेंगे, इस वीडियो को आपको अगेन सेलेक्ट करना है। स्पीड कंट्रोल में जाने के बाद दोस्तों इसके स्पीड को आपको अपने हिसाब से स्लो कर लेना है, जितना स्लो मोशन में आप अपने वीडियो को रखना चाहते हैं। उसके बाद यहां से ओके करेंगे। अब दोस्तों इस वीडियो में आपको पहले ही साउंड इफेक्ट ऐड कर लेना है, तो साउंड इफेक्ट ऐड करने के लिए आपको लेयर में जाना है, मीडिया में जाने के बाद दोस्तों आपको उस वीडियो को यहां पे सेलेक्ट कर लेना। जैसा गाइज यहां पे आप देख सकते हैं मैं यहां से दोस्तों समझ लीजिए उस वीडियो को सेलेक्ट कर लिया हूँ, कैंची पर जाएंगे, एक्सट्रैक्ट ऑडियो करेंगे, उसके बाद दोस्तों यहाँ से इसको डिलीट कर देंगे। नीचे साउंड गाइज आपके वीडियो में ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा। अब दोस्तों साउंड को वीडियो से मैच करने के लिए आप अपने साउंड को दोस्तों इस तरह से स्लाइड करके थोड़ा सा आगे पीछे कर सकते हैं। गाइज मैंने यहाँ पे आपको ट्रिक बता दिया है, इस तरह से आप अपने वीडियो को बना सकते हैं। अब गाइज मैं यहाँ पे आपको वीडियो प्ले करके दिखा देता हूँ। स्टार्टिंग में दोस्तों जो साउंड हमारा छोटा है, मैं दोस्तों वीडियो काफ़ी लंबा बना रहा हूँ क्योंकि दोस्तों मुझे एक्सप्लेन करना है कैसे ये वीडियो बना है। तो गाइज यहाँ पे आप देख सकते हैं वीडियो, समझ लीजिए हमारा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से मैं आया और दोस्तों यहाँ पर मैंने पैर रखा माचिस के ऊपर, जैसा कि दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, और यहाँ पे गाइज माचिस में फायर लग चुका है। तो दोस्तों इस तरह से आपका वीडियो कंप्लीट हो जाएगा। वीडियो को सेव और शेयर करने के लिए आपको शेयर बटन पे क्लिक करना है, 720 और 30 रखने के बाद वीडियो को एक्सपोर्ट कर देंगे। उम्मीद है आपको वीडियो जरूर पसंद आई होगी।